Hi everyone, this is आज को topic का है, भारत का पहला डोंकी कंजर्वेशन पार्क जा रहा है कहाँ पे बनेगा और डोंकी पे क्यों किया जा रहा है ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे चाहे फेसबुक इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा अब देखिये भारत का बेस्ट ऑनलाइन कोर्स फॉर जम्मू कश्मीर जो है अगर आप लेना चाहते हैं स्टडी आई क्यू पे अवेलेबल है इसके लिए आप डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं वीरो थ्री थ्री थर्टी थ्री परसेंट ऑफ आपको किसी भी कोर्स पे और इस कोर्स पे भी मिलेगा नाउ सी जब भी डोंकीज़ की बात आती है हिंदी में हम गधे बोलते हैं इनको या डोंकी गधा हो गया और फनी uh, एनिमल्स माना जाता है मजाक उड़ाया जाता है और एक टैबू एसोशिएट कर दिया गया है डोंकीज के साथ में इस वजह से क्योंकि सोसाइटी में इसको इस तरीके से देखा जाता है इस एनिमल को बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट किया जाता है और रिजल्ट ये हो रहा है कि अब इसकी पॉपुलेशन जो है डोंकीज की वो बहुत ही अलार्मिंग रेट पे डिक्लाइन हो रही है कम हो रही है डेली बेस्ड एक सोशल एंटरप्राइज है ऑर्गेनिक को जो पहला भारत का डोंकी पार्क ले में इस्टेब्लिश कर रहे हैं क्योंकि इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है इसके बारे में आप आ, सोशल मीडिया में भी पढ़ सकते हैं और प्रिंट मीडिया में भी आपने देखा होगा अब देखो अब भारत में वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड डोंकिज जो है इतने डोंकीज जो है, वो हैं वो बचे हैं लद्दाख में इनकी कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब है पहले देखिए इस जानवर को किस लिए यूज़ किया जाता था ट्रांसपोर्टेशन के लिए कि इसकी पीठ पे बहुत सारा सामान लादा जाता है एक जगह से दूसरी जगह लिया जाता है जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जा सकती वहाँ पे आपके डोंकीज आपका सामान ट्रांसपोर्ट करते हैं बाकी पर्पजेस के लिए भी लेकिन रिसेंटली हमने लेह लद्दाख में देखा इनकी कंडीशन इतनी ख़राब होगी कि इनके ऑनर्स ने इनको यूं ही छोड़ दिया अबेंडन कर दिया अब क्योंकि क्यों अबेंडन कर दिया अगर आप सोचेंगे क्योंकि उनके पास बेटर ऑल्टरनेटिव आने लग गए पैसा आ गया हॉर्सेज आने लग गए म्यूल्स आने लग गए तो वो डोंकीज़ की जगह उनको यूज़ करने लगे और इनको छोड़ दिया अब यहाँ पे फर्स्ट कंजर्वेशन पार्क इसलिए लेह में ऑर्गेनिको जो है वो शुरू करेगा इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग देखिए सेवेंटी वन परसेंट इन सेवन ईयर्स इतना पॉपुलेशन डिक्लाइन गुजरात में भी देखा गया है भारत में कम हो रहे हैं डी एन ए का न्यूज़ है कम हो रहे हैं गधे इस पर भी चर्चा हुई है कि भारत में सिक्सटी वन परसेंट जो इनकी आबादी है वो कम हो गई है राइट right. और हर देश में यहाँ पे हर प्रदेश में भारत के आप देख सकते हैं ब्रुक इंडिया का रिपोर्ट कि कितना कितना परसेंटेज डिक्लाइन इनकी पॉपुलेशन में आया एंड यू कैन सी दैट दैट्स ह्यूज डाउन टू अर्थ में भी ये न्यूज आई थी दिस मैगजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिसेंटली मैं इसका वीकली एनालिसिस भी कर रही हूँ और मंथ में चार पार्ट में हम इसका वीकली एनालिसिस जो है वो करते हैं अब शार्प डिक्लाइन जो डंकी की पॉपुलेशन में इंडिया में लास्ट दस सालों से देखा जा रहा है इसको किन चीज़ों से रिलेट कर रहे हैं एक तो हम बोल रहे हैं कि ठीक है इसका मजाक उड़ाया जाता है डंकी पे इसलिए कोई डोंकी पे कोई इसलिए ध्यान नहीं देता तो आप इनका फ़नी एनिमल माना जाता है तो इसका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है लेकिन इसके कुछ और रीजन भी हैं क्योंकि चाइना की मार्केट में इसकी डिमांड बहुत इंक्रीज़ हो रही है क्यों इसकी स्किन के लिए हाइड बोलते हैं उसको इसकी हाइड के लिए चाइनीज मार्केट में डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है इस वजह से भी इसका पॉपुलेशन इंडिया में कम हो रहा है कंट्री में ड्रंकी का पॉपुलेशन जो है 0.12 जीरो पॉइंट वन टू मिलियन टू थाउजेंड नाइनटीन से जीरो पॉइंट थ्री टू मिलियन इन टू थाउजेंड ट्वेल्व तो टू थाउजेंड ट्वेल्व में देखिए पॉइंट थ्री टू मिलियन था और 19 में पॉइंट वन टू मिलियन बचा इतना ये लाइफ स्टॉक सेंसस हमको 2019 का बताता है 2007 में इनफैक्ट 0.44 मिलियन डॉकी डोंकीज़ इंडिया में थे तो इनका काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन डिक्लाइन यहाँ पे नंबर्स में भी आप देख सकते हो और टोटल पॉपुलेशन हॉर्सेज पोनीज म्यूल्स डोंकीज़ का वैसे भी डिक्रीज हुआ है फिफ्टी वन के बाद ये डिक्लाइन बहुत शार्पेस्ट है डोंकी के केस में आप देखेंगे सिक्सटी अब जैसे जैसे लिटरेसी रीड हो रेट इंक्रीज़ हो रहा है जहाँ पे भी लोग डोंकी को सामान इधर उधर करने के लिए यूज़ करते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसकी जगह वो म्यूल्स यूज़ करने लग गए हैं स्किन जो है डोंकी की उसको भी स्मगल किया जाता है ये अनदर रीज़न है जैसे मैंने बताया चाइना में चाइना में कुछ बीमारियाँ इसे ट्रीट होती हैं ऐसा माना जाता है इसलिए इसकी स्किन की काफ़ी डिमांड रहती है और आंध्र प्रदेश की भारत की अगर मैं आपको बात बताऊँ वहाँ पर लोग इस हद तक चले गए कि वो डोंकी का मीट भी खाते हैं क्योंकि उनको ऐसा कहा जाता है कि उससे मेल सेक्शुअल स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होती है और उसके चलते इसका मीट खाया जाता है और आंध्र प्रदेश से तो मोस्टली डोंकीज़ डिसअपियर हो गए इसलिए उनको राजस्थान उत्तर प्रदेश तमिलनाडु महाराष्ट्र कर्नाटक से ला उनका मीट बना के खाया जाता है अब डोंकी के मीट के बारे में एक चीज़ बताऊँ कि उसको एज अ एनिमल फूड कैटेगराइज नहीं किया गया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडियाज़ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स के द्वारा यानी उसको फूड की कैटेगरी में भी नहीं रखा गया है तो भी उसका लोग मीट कंज्यूम कर रहे हैं जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि डोंकी का मीट खाना इसकी कंजम्पशन इल्लीगल है ये कानूनी बिल्कुल भी नहीं है डोंकी को स्लॉटर करना उसका मीट खाना इज़ टोटली कंजम्पशन इज़ टोटली इलीगल ओके तो ये कुछ रीजन्स हैं इसके पॉपुलेशन डिक्लाइन के टाइप्स ऑफ डोंकी आप देखेंगे वाइल्ड भी हैं फेरल भी हैं डोमेस्टिकेटेड भी हैं तो इन तीनों टाइप्स के डोंकीज़ आपको इंडिया में मिलेंगे वाइल्ड डोंकीज टिपिकली 49 इंचेस तक ग्रो करते हैं और डोमेस्टिकेटेड डोंकीज का अलग अलग साइज होता है डिपेंड्स अपॉन कि किस ब्रीड के साथ ब्रीडिंग उनकी हो रही है उसके बाद वाइल्ड डोंकीज आपको डेजर्ट्स में सेवनर्स नॉर्थ अफ्रीका मोरक्को यहाँ पे मिलेंगे एक स्पीशीज है कि आंग और तिब्बतन वाइल्ड लाइफ ये चाइना में आपको मिलती है नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान इंडिया नेपाल भूटान में आपको मिलेगी डोमेस्टिकेटेड जो लोग पालते हैं डोंकीज को ये आपको पूरे दुनिया में मिलेंगे क्योंकि यूजली ड्राई और वार्म एरियाज़ में पाए जाते हैं एबसिनिन डोंकी फॉर एग्जाम्पल इथोपिया में इसकी ब्रीडिंग की जाती है तो इस तरह के डोंकीज डोमेस्टिकेटेड रहते हैं मेल डोंकीज़ को जैक्स कहा जाता है फीमेल डोंकीज़ को जेनिस या जेनेट्स कहा जाता है डॉकी डोंकीज अगर आप देखेंगे दे आर वेरी सोशल एंड एक ग्रुप में रहते हैं ये वाइल्ड डोंकीज़ जो हैं वह एक मेल उसमें होता है जैक इज योर मेल डोंकी एंड और बहुत सारी जेनिस यानी फीमेल डोंकीज एक ग्रुप में आपको मिलेंगी और कुछ लार्जर वाइल्ड हर्ड्स जो हैं वो आपको उसमें बहुत सारे मेल्स भी दिखेंगे स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड्स नहीं बनाते ये बट स्टिल दे आर सोशल वाइल्ड जो हर्ड्स रहते हैं अब डोंकीज जो दिन का सबसे गर्म पार्ट होता है उसमें रेस्ट करते हैं अर्ली मॉर्निंग्स और इवनिंग्स में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं उस टाइम ट्रैवल भी करते हैं अपने जो ग्रुप है उसके साथ ग्रेजिंग भी करते हैं फीमेल डोंकीज़ का रजिस्ट्रेशन पीरियड ट्वेल्व मंथ्स का रहता है बेबी डोंकीज़ आर कॉल्ड फोल्स ये देखिए इंग्लिश भी आपके यहाँ से वर्ड्स आप सीखेंगे कि डोंकीज का जो बेबी डोंकी होता है इट्स कॉल्ड फोल्स फोल का वेट जो है नाइनटीन टू थर्टी पाउंड्स तक होता है एट बर्थ जब उसका जन्म होता है उस वक्तों के okay? और फाइव मंथ्स फोल्स आर वीड एंड एट टू ईयर्स दे आर ओल्ड इनफ टू मेट तो दो साल में मेटिंग उनकी शुरू हो जाती है फीमेल्स टिपिकली हर साल आप देखेंगे एक नए फोल को एक नए बच्चे को नए बेबी डोंकी को जन्म देती हैं क्लासिफिकेशन टेक्सोनमी और क्लासीफिकेशन देखिए किंगडम एनिमेलिया सब किंगडम बाइलेट्रिया ये इसका आइडेंटिफिकेशन कार्ड है मैमल्स में आता है सब क्लास थीरिया है फैमिली इक्विटे है और जीनस इक्वे है इक्वस uh, है तो दिस इज़ द आइडेंटिफिकेशन बायोलॉजिकल आइडेंटिफ़िकेशन कार्ड फॉर डोंकी स्पीशीज़ इसकी अलग अलग हैं देख सकते हैं इक्वस 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 ये सारा जीनस है अफ्रीकनस जो अफ्रीकन में पाया जाता है इंडियन वाइल्ड जो होता है उसको खुर कहते हैं हेमिपस और एसिनस डोंकी ये अलग अलग इसकी स्पीशीज़ हैं अब जो एन हैं वो और भी इकोनॉमिक पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से लोगों की मदद हो सकती है उनका रोज़गार चल सकता है तो यहाँ पे पता चलता है डोंकी मिल्क वो बहुत ज़्यादा फेमस है बहुत जा, जा, लोग डिमांड में डोंकी मिल्क आपका रहता है क्योंकि डोंकी मिल्क बहुत एक्सपेंसिव है महंगा है क्योंकि उसमें कॉस्मेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं एंटी एजिंग एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इसलिए अगर एक लीटर डोंकी का मिल्क होगा दो हज़ार से चार हज़ार रुपये के बीच में बिकेगा और पैंडेमिक के टाइम में यही डोंकी मिल्क सात हज़ार से आठ हज़ार पर लीटर में ये बिका है ओके और वैसे भी ये मिल्क इतना एक्सपेंसिव क्यों है क्योंकि 80 परसेंट जो बैक्टीरिया डोंकी मिल्क में होता है वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है जो कि आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छा है बहुत सारी बीमारियों को भी ये ठीक करता है इन्फेक्शियस डिजीजेस को लिवर से रिलेटेड डिजीजेस को इसलिए प्राइस भी इसका हाई रहता है काओ और गोल्ड मिल्क गोट का जो बकरी का मिल्क रहता है वो प्रोटीन रिच होता है लेकिन डोंकी मिल्क काफ़ी ट्रेस एलिमेंट्स इसमें मिलेंगे आपको वाइटाम मिनरल्स मिलेंगी और एलर्जिक जैसे हो सकता है काओ मिल्क से गोट मिल्क से किसी को एलर्जिक हो एलर्जिक एलर्जी हो जाए डोंकी मिल्क इतना एलर्जिक नहीं होता और ह्यूमन uh, मिल्क के क्लोज काफ़ी माना जाता है इसलिए जो इन्फेंट्स होते हैं छोटे बच्चे होते हैं उनको कई बार ये भी फीड किया जाता है और इसमें पैथोजेंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनसे बीमारियां हो वो भी नहीं पाए जाते और लॉन्ग शेल्फ लाइफ भी है ज़्यादा देर तक डोंकी का मिल्क चलता है क्योंकि इसकी हेल्थ बेनिफिट्स इतने सारे हैं इसलिए कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ किया जाता है स्किन की हाइड्रेशन के लिए यूज किया जाता है ब्यूटी पाउडर्स बनाए जाते हैं और आ, मतलब इतना ज़्यादा इसका डिमांड भी रहता है इसलिए बहुत महंगा भी ये बिकता है नाउ क्वेश्चन इज नागरह होल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश कर्नाटका केरला उड़ीसा आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं बाकी आ, टेलीग्राम में पोल में भी पार्टिसिपेट करके आंसर जान सकते हैं कोर्सेज़ के लिए यू कैन विजिट वेबसाइट और यू कैन टेक दिस कोर्सेज ऑन ई एम आई ऑल्सो थैंक यू सो मच